सौदा आपका में मेरे साथ हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के सीएमडी किरण जाधव। किरण, शुरुआत करते हैं सवालों का। मेरे साथ जयपुर से नरेश जुड़ रहे हैं, सुनते हैं इनका सवाल। नरेश जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम मेरे पास तीन सिस्टर टेक्नोलॉजी है 92 रुपीज के। हेलो, ओके, और 14.50 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं यहाँ पर नरेश। किरण, आपकी सलाह सनलाइट टेक्नोलॉजी पर? टेक्नोलॉजीज वैसे काउंटर तो वीक है और मेरे ख्याल से इधर से बाहर निकलना ही समझदारी होगी। हालांकि हम छोटा सा अपमूव दिखाई दे रहा है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से करीबन 71-72 से लेके 77 तक एक उछाल दिखाई दी है, पर मेरे ख्याल से अगर ब्रॉडर ट्रेंड देखते हैं तो हम रेजिस्टेंस के करीब आते नजर आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बेस्ट केस सिनेरियो 78 से लेके 81 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, तो इधर तक जा सकता है, इन लेवल्स पे बिल्कुल स्टॉक से बाहर निकलेगा। एग्जिट की सलाह स्टरलाइट से। और अब मुंबई से ध्यानचंद गोविंद प्रसाद मेरे साथ जुड़ गए। नमस्ते प्रसाद जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास सीकेल का 160 से 320 रुपए के भाव में मिल गया है और मेरा 6 महीने तक रुकने का नजरिया है। ओके, तो नई लिस्टिंग क्विक हील की 75 रुपए का लॉस उठाना पड़ रहा है यहाँ पर ध्यानचंद जी को। किरण क्या सलाह देंगे, 6 महीने का ये एक टाइम फ्रेम दिमाग में रखकर चल रहे हैं? टेक्निकली ये स्टॉक अभी 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए लिस्टिंग होके, तो टेक्निकली ज्यादा सलाह नहीं दे सकते, पर हमारा तजुर्बा ये कहता है कि लिस्टिंग के बाद जो लिस्टिंग प्राइस के नीचे अगर स्टॉक चलता है तो उधर से बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई दे सकती है। तो मेरा ये मानना है कि अभी के लिए बाहर निकलिए और एक लेवल ध्यान में रखिए 260 के ऊपर वापस एक बार ट्रेड करना चालू कर देगा तो वापस एक बार आप स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, पर अभी के लिए डाउनसाइड ओपन है।